नवंबर 1984, राजधानी दिल्ली को वो भयानक काली सुबह कभी नहीं भूलेगी। नवंबर की सुबहें आमतौर पर सर्द रहा करती हैं, लेकिन 1984 की वो सुबह नफरत के शोलों की तपिश में झुलस रही थी। बहुत से लोगों की उन्मादी भीड़ काली सड़कों पर लाल खून बहाने पर आमादा थी। जगह जगह आगजनी की जा रही थी और सिखों का खून बहाया जा रहा था। राजधानी दिल्ली में पैदा हुआ ये उन्माद देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। जगह जगह से सिखों के मारे जाने और उनकी संपत्तियां जलाए जाने के समाचार मिलने लगे। इससे एक दिन पहले ही 31 अक्टूबर 1984 की सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में ही कर दी गई थी। दो सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोलियों से भूनकर उनकी जान ले ली थी। यह हत्याकांड सुबह सुबह हुआ, लेकिन इसकी खबर देश को शाम को दी गई। उसके बाद 31 अक्टूबर को ही कुछ जगहों से हिंसा की छिटपिट खबरें आईं, लेकिन किसी की हत्या नहीं की गई थी। लेकिन अगले दो दिनों तक जो हुआ उसकी कल्पना तक सिख कौम के किसी व्यक्ति ने नहीं की थी। नवंबर की सुबह से ही राजधानी दिल्ली में खून के प्यासे लोग खून के बदले खून का नारा उछालने लगे। लाजपत नगर, जंगपुरा, डिफेंस कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, महारानी बाग, पटेल नगर, सफदरजंग एनक्लेव और पंजाबी बाग इलाकों में जमकर हत्याएं और लूटपाट की गई। घरों, दुकानों और गुरुद्वारों में लूटपाट करने के बाद आग लगा दी गई। जब पौश इलाकों का ये हाल था तो पिछड़े इलाकों में क्या हुआ होगा आसानी से समझा जा सकता है। त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नंदनगरी, पालम गांव और शकूरपुर इलाकों में बड़ी संख्या में निर्दोषों को मौत के घाट उतारा गया। बस, ट्रक, कार और दुपहिए समेत बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग लगा दी गई। फैक्ट्रियों, कारखानों और दफ्तरों से खींच खींच कर बहुत से सिखों को जिंदा जला दिया गया। बहुत सी सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उनके अपनों की उनके सामने ही हत्या कर दी गई। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर सिखों की हत्याएं और लूटपाट की गई। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 3,325 लोग मारे गए थे, जिनमें से 2,733 की हत्या दिल्ली में ही हुई। इंदिरा गांधी की हत्या का समाचार सुनकर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उत्तरी यमन की यात्रा समय से पहले खत्म कर दिल्ली लौटे थे। हवाई अड्डे से ही उन्होंने एम्स जाने का फैसला किया। रास्ते में आर के पुरम के पास उनके काफिले पर हमला किया गया। ये बात उस समय राष्ट्रपति के प्रेस अधिकारी रहे तरलोचन सिंह भी बताते हैं। उनकी कार पर जलती हुई मशालें फेंकी गईं। ड्राइवर ने किसी तरह उन्हें बचाया। कुछ वहाँ लड़के शूटिंग कर रहे थे और वो शूटिंग करते करते सड़क पे खड़े थे, तो एज वी वर क्रॉसिंग आई वाज इन द फोर्थ कार, तो मेरी कार उन्होंने रोक ली। रोक के दे उन्होंने उस पर कुछ डांगे पत्थर मारे और एज वो कन्वाय चल रहा तो मेरी कार में बर्निंग टॉर्च फेंक दी। लकीली माई ड्राइवर उसने वो फेंक के तो आई वेंट आउट ऑफ द कन्वाय केम टू राष्ट्रपति भवन। ज्ञानी जी जैसे ही इंदिरा जी के दर्शन कर एम्स से नीचे उतरे, लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनकी कार को रोकने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने मुश्किल से उन्हें सुरक्षित निकाला। विच आई वॉज टोल्ड वेन ज्ञानी जी केम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, तो जब नीचे उतरे तो उनकी कार को घेर लिया गया और काफ़ी शाउटिंग हुई, तो देन ज्ञानी जी जोन सिक्योरिटी जो साथ होती है उन्होंने उनको क्लियर करके राष्ट्रपति भवन लाया। इस वाकये का विस्तार से उल्लेख मनोज मित्ता और एचएस फूलका की वैनेट्री शुक डेली पुस्तक में मिलता है। पुस्तक में यह भी साबित किया गया है कि इंदिरा गांधी हत्याकांड के बाद भड़की हिंसा
सुनियोजित थी। मनोज मित्ता मानते हैं कि सब कुछ कांग्रेस नेताओं के इशारे पर हुआ। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दंगे भड़काने के आरोप प्रमुख रूप से हरकृष्ण लाल भगत, ललित माकन, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर पर लगे। संजय सूरी की पुस्तक 1984 द सिख एंटी सिख वायलेंस एंड आफ्टर में कांग्रेस नेता कमलनाथ की ओर भी इशारा किया गया है। ३१ मार्च 1986 के इंडिया टुडे पत्रिका के अंक में शेखर गुप्ता ने लिखा है कि साजिश के कोण से इंदिरा हत्याकांड की जांच करने वाले ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट में ठोस नतीजे नहीं निकाले गए हैं। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसके लिए इंदिरा गांधी के तत्कालीन निजी सचिव आर के धवन की तरफ उंगली उठाई गई है। शेखर गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार धवन अपना कद कम किए जाने की आशंका से परेशान थे। व्हेन अ ट्री शुक दिल्ली पुस्तक के लेखक मनोज मित्ता कहते हैं, जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस दिन जो घटनाएं हुई उन्हें आप स्वाभाविक कह सकते हैं, लेकिन उस दिन किसी सिख का कत्ल नहीं हुआ था। कत्ल की शुरुआत पूरे 24 घंटों के बाद यानी अगले दिन 1 नवंबर से हुई थी। मित्ता का कहना है कि नेताओं ने अपने अपने इलाकों में बैठकें की और अगले दिन लोग हथियारों के साथ पूरी तैयारी से निकले थे। पुलिस उन्हें नजरअंदाज कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी। किताब के सहलेखक हरविंदर सिंह फूलका का भी तर्क है कि जिस तरह से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया उससे स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ योजनाबद्ध था। वे कहते हैं, भीड़ के पास सिखों के घरों की सूचियां थी, उन्हें हजारों लीटर केरोसिन मुहैया कराया गया था, ज्वलनशील पाउडर दिया गया था, जो लोहे की छड़ें लोगों के हाथों में थी वे एक आकार प्रकार की थी। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर सबसे ज्यादा सांप्रदायिक प्रधानमंत्री होने का आरोप भी लगा। 19 नवंबर 1984 को राजीव ने दिल्ली के बोट क्लब पर जमा भीड़ के सामने कहा, जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए थे। हमें मालूम है कि भारत की जनता को कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। 11 अगस्त 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिख विरोधी दंगों के 21 साल बाद संसद में इसके लिए माफी मांगी और कहा कि जो कुछ भी हुआ उससे उनका सिर शर्म से झुक जाता है। 1984 के दंगों की जांच के लिए 10 आयोग और कमेटियां बनी, लेकिन पीड़ितों को पूर्ण न्याय अभी तक नहीं मिल सका है।